Hello students, hope you all are fine at home and keeping your health good. Today let us continue our chapter number 7, which is decimals. Here we have a next topic, that is like decimals and unlike decimals. Here first one is, यहाँ पे आप देख सकते हैं, we have written 0.8, 0.5 and 0.7. One thing is similar in that कि तीनों numbers में आप देख सकते हैं, point के बाद we having one number. सिमिलर तीनों में देख सकते हैं आप, पॉइंट के बाद वी हैविंग वन नंबर. ओके, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दे आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स. 0.5, 0.8 एंड 0.7 जो है वो क्या हो गए, दे विल बी लाइक डेसिमल्स. सेम इज यहाँ पे आप देख सकते हैं, 0.10, 0.95, 0.76. यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, वी हैविंग टू नंबर्स. यहाँ पे तीनों जगह पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, वी कैन से दैट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद वी हैविंग थ्री नंबर्स, दे आर लाइक डेसिमल्स. फॉर सपोज मैंने यहाँ पे लिया है 0.9 एंड यहाँ पे लिया 0.68, तो ये क्या हो गए, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहाँ पे पॉइंट के बाद वी हैविंग टू नंबर्स, तो दे आर अनलाइक डेसिमल्स. क्या हो गए ये दोनों, अनलाइक डेसिमल्स. व्हेन वी हैविंग सेम नंबर, पॉइंट के बाद हमारे पास सेम नंबर होगा, तो दे विल बी लाइक डेसिमल्स. और पॉइंट के बाद हमारे पास सेम नंबर नहीं होगे, तो दे विल बी अनलाइक डेसिमल्स. फॉर सपोज यहाँ पे मैंने लिया है 37.8 एंड यहाँ पे मैंने लिया है 658.4. यहाँ पे ये दोनों नंबर्स है वो कैसे होगे, लाइक होगे या अनलाइक, दे विल बी लाइक डेसिमल्स. क्यों लाइक डेसिमल्स, आप बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास टू नंबर्स है और यहाँ पे तो हमारे पास थ्री नंबर्स है. When we are comparing decimals, we have to compare after point. Point के बाद के जो numbers given है उसे ही हमें compare करना है. तो यहाँ पर हमारे पास point के बाद we having one number और यहाँ भी हमारे पास one number ही है, एक number ही है, तो वो क्या होगी, they are called like decimals. For suppose यहाँ पर मैंने लिखा है 76.35 and यहाँ पर मैंने लिखा है 57.395. okay? यहाँ पे ये दोनों नंबर्स क्या हो गए, दे विल बी अनलाइक डेसिमल्स. क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास टू नंबर्स है और यहाँ पे पॉइंट के बाद थ्री नंबर्स है. व्हेन वी हैविंग सेम नंबर, पॉइंट के बाद हमारे पास सेम नंबर होगे, मतलब सेम अमाउंट ऑफ नंबर होगे, तो दे आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स. अगर दे आर नॉट इन सेम अमाउंट ऑफ नंबर, मतलब सेम नंबर्स नहीं होगे, यहाँ पे टू है और यहाँ पे थ्री है, तो वो क्या होगे, दे विल बी अनलाइक डेसिमल्स. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक. फॉर सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है 8, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 8. फॉर सपोज मैं यहाँ पे 0 ऐड कर रही हूँ 8 के आगे, तभी भी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, दैट विल बी 8. व्हेन वी आर एडिंग जीरोस टू अवर लेफ्ट साइड पे अगर हम 0 ऐड करते हैं हमारे नंबर्स पे, तो वैल्यू जो है वो सेम ही रहती है. फॉर सपोज मैंने यहाँ पे 2 जीरोज ऐड किए, तभी भी ये है 8 ही रहेगा. लेकिन जब हम हमारे नंबर में राइट साइड जीरोज ऐड करते हैं, तो वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, ये दैट विल बिकम 80. फॉर सपोज यहाँ पे मैं 2 जीरोज ऐड कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 800. ओके, लेकिन डेसिमल्स में क्या होगा, उल्टा होगा. फॉर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है 0.9, तो दैट विल बी 0.9, ठीक है. लेकिन अगर मैं 0.90 लिख रही हूँ, दैट विल ऑल्सो 0.9. क्यों, क्योंकि जब हम हमारे डेसिमल्स में राइट साइड जीरोज ऐड करेंगे, तभी भी हमारी वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी. यह 0.90 भी 0.9 ही रहेगा. फॉर सपोज मैंने 0.900 लिखा, दैट विल ऑल्सो 0.9. बट व्हेन वी आर एडिंग जीरोज टू अवर लेफ्ट साइड, डेसिमल में हम लेफ्ट साइड पे जीरोज ऐड करेंगे, तो हमारी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी. यहाँ पे मैंने 0.09 लिखा, तो दैट विल बिकम 0.09, उसे हम 0.9 नहीं लिख सकते. जितने ज़्यादा जीरोज होंगे हमारे पास लेफ्ट साइड पे, उतनी वो वैल्यू जो है वो छोटी होगी, दैट विल बिकम स्मॉलर. फॉर सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 0.09 एंड 0.9, तो इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी 0.09. लेफ्ट साइड में हमारे पास डेसिमल्स में हमारे पास लेफ्ट साइड में जितने जीरोज होंगे, उतनी वो वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी, दैट विल बिकम 0.9 जो है वो बड़ा होगा 0.09 से.
फॉर सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 0.09 एंड यहाँ पे लिखा है 0.009, तो इसमें से छोटा नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी 0.009. 0.009 जो है वो दैट विल बी स्मॉलर वैल्यू देन द 0.09. 0.09 जो है वो बड़ा हो जाएगा.